اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام والتحيه والاكرام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله

खुदा हमें राह हुसैन में जिंदगी इनायत फरमा और हमें इसी राह में शहादत इनायत फरमा अपने इन सात की इन लम्हात की कदर जानिए मालूम नहीं है हम कल के मजलिस में होंगे या नहीं होंगे हम आशुरा तक होंगे या नहीं होंगे एक शख्स नजफ से आया था आज सुबह पहली मजलिस पढ़ी दूसरी मजलिस के लिए जा रहा था रास्ते में उसे शहादत नसीब हो गई ख़ुदा मौलाना लामा सफीर सज्जात के दर्जात को बुलंद फरमाए और मैं क्या बता सकता हूं आपको कि सफीर सज्जात कौन था आज फ़िज़ा अलकौसर सोगवार है मुहर्रम का भी आगाज़ है और एक जाकिर हुसैन भी हमसे बिछड़ गया वो जिसने लाखों लोगों को करबला की राह दिखाई आदि टीवी पे आपने वो प्रोग्राम देखे होंगे हम जब सफ़ीर सज्जाद के साथ बैठ के रास्ते में करबला नजफ़ के दरमियान प्रोग्राम करते थे लोग आंसू बहाते हुए आते थे कि हम आपकी वजह से सफीर सज्जाद, आप की वजह से करबला आए हैं हमें इल्म नहीं था करबला में क्या होता है एक ऐसा नौजवान खतीब, एक ऐसा नौजवान आलिम, जो ऐने शबाब में दर्ज इश्तहाद पर था हमारे यहाँ हमारे इल्मिया में तवाजो की वजह से जवानी में पहुँचा जवानी में ही जाता है दर्ज पे, लेकिन उसका इजहार नहीं किया जाता उसको बताया नहीं जाता साथी जानते हैं उस्ताद जानते हैं शागिर्द जानते हैं कि ये इन शबाब में दर्ज पर है आलम तशैय की उम्मीद थी हमसे बिछड़ गया लेकिन खुशनसीब है कि राह हुसैन में मादर हुसैन को शायद उसकी मजलिस पसंद आ गई उसे अपने पास बुला लिया अपनी इस ज़िंदगी की क़दर को जाने, अपनी हर सांस राह हुसैन में सफ़र करें हम फर्श पे जमा हैं ज़िक्र हुसैन के लिए यहाँ जमा हुए हैं लेकिन हुसैन बाबुल्ला है ज़िक्र हुसैन आपको जिक्र खुदा तक पहुंचाता है ज़िक्रह तक पहुंचाता है अल्लाह का ज़िक्र बचाने के लिए हुसैन ने मदीना छोड़ा है। हुसैन ने इमामत बचाने के लिए नहीं अपने आप को इमाम को बचाने के लिए इकदाम नहीं किया तो को बचाने के लिए अपना कुंबल उठाया है आज इस दौर में सबसे ज़्यादा हमला तोहद पर हो रहे हैं और जवानों से कहूँगा कि अगर वक्त मिले तो एक ही मौजू है मैं अभी हैदरी चौक से आ रहा हूँ वहाँ भी मेरा यही मौजू है यहाँ भी मेरा यही मौजू है आपको हुसैन के ज़रिए ख़ुदा तक पहुँचाना है सहारा लूँगा नहजल बलागा का मदद मांगूंगा मुश्किल कुशा से क्योंकि आश्रय मुहर्रम में जो भी मौजू शुरू किया जाए वो कहीं पहुँचता नहीं था तो अभी ये नज़दीक के दो अशरे हैं तो इसलिए अगर आ सकते हैं तो आके सुनिए नहीं आ सकते जहाँ कोई सवाल पैदा हो उस तश्नगी को ऑनलाइन सुन लीजिए ताकि मिला के आ, एक मकसद तक पहुंचा जा सके शलवार पढ़ ज मोहम्मद वाल मोहम्मद ये दुनिया मुवाहिदीन की दुनिया है तारीख़ बशर में मुवाहिद लोग रहे हैं दीनदार लोग रहे हैं जब तारीख़ ही नहीं थी जब दंगलों का दौर था जब असर हजर था उस दौर में भी उसके आसार के माहरीन भी कहते हैं वो लोग भी दीनदार लोग थे खुदा परस्त लोग थे अब कौन किसे खुदा कहता है खुदा तक पहुँचने में कौन सही होता है कौन गलत चला जाता है वो अलग बहस है लेकिन थे सारे खुदा परस्त। इंसान फितिरी तौर पर खुदा प्रस्त है इंसान फितरी तौर पर माहिद है इंसान फितरी तौर पर दीनदार है ये जो आजकल प्रोपागंडा हो रहा है सब बेदीन हो गए दीन की तरफ कोई भी नहीं आता ये गलत प्रोपागंडा है ये कैसे हो सकता है फितरत की तरफ कोई भी ना आए दीन फितरी है दीन की तरफ लोग क्यों आते हैं ये सवाल गलत है इसलिए कि जिस तरफ सब आए हो, अगर आपसे कहें तो हम रिसर्च करते हैं इंसान खाना क्यों खाता है भाई फितरी है खाना क्यों खाता है इस पर कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है अगर कोई खाना ना खाने वाले इंसान होते कुछ खाने वाले होते तो आप कह सकते थे ये खाना खाने वाले क्यों खाना खाते हैं जब सब दीनदार हैं तारीख बशरियत में कोई बेदीन नहीं है कोई मुलहित नहीं है कोई दाहरी नहीं है कोई एथिस नहीं है तो ये सवाल ही गलत है कि इंसान दीनदार क्यों होता है मुश्किल तो नहीं हो रही जे? आप जितनी खामोशी से सुनेंगे मैं उतना अच्छा बोलूँगा मुझे खामोशी से कोई मुश्किल नहीं है मुझे आसानी भी है जे? ये सवाल गलत है उसके बावजूद सवाल उठा है अगर आपके जहनों में भी सवाल है जिन्होंने जो जवाब दिए गए हैं वो गलत जवाब हैं उन सब पे बहस हो सकती है लेकिन मैं कोई एकेडमिक बहस नहीं करना चाह रहा है आप ये बात मुसलमात में से है कि दीन खुदा परस्ती हर दौर में हर जगह के इंसान में रही है आप अफ्रीका का इंसान निकालें वो एशिया का इंसान निकालें वो जंगलों का इंसान निकालें वो असर हजर का इंसान निकालें वो इस मॉडर्न दौर का इंसान निकाले हर जमाने का हर इंसान खुदा परस्त रहा है और आज भी सिर्फ एक हुकूमत है जहां ऑफिशियली वहाँ वो एथिस्ट हुकूमत पूरी दुनिया में सिर्फ एक हुकूमत है बाकी सेकुलर हैं लेकिन एथिस्ट नहीं है दीनदार हैं अमेरिका दीनदार है उनके डॉलर पे आपने देखा हुआ क्या लिखा हुआ है उनका डॉलर ही दीनदारी का डॉलर है मादियत का सबसे ज्यादा ये डॉलर है ना मादियत का सबसे ज्यादा कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा नमूद डॉलर है उसी के ऊपर तोहहीद लिखा हुआ है अभी ये बादशाह नया बना इंग्लैंड का किसने उसे बादशाह बनाया चर्च ने सारी तकरीबा क्या हो रही थी मजहबी तकरीबा हो रही थी हर जगह दीन है सब दीनदार हैं इसके होते हुए अभी ये यलगार कहाँ से आ गई ये एथिज्म कहाँ से आ गई और फिर उस एथिज्म में एक न्यू एथिज्म आ गई ये कहाँ से आई क्यों आई सवाल पैदा होता है या नहीं होता जी ये सवाल समझेंगे और मेरा खिताब ज्यादा जवानों से अल्हम्दुलिल्लाह सब जवान बैठे हैं कुछ बुजुर्ग हैं उनके दिल जवान है जी वही इतनी बुजुर्ग मुझे मालूम है अक्सर बुजुर्ग बहुत दूर दूर से आए जवान ना होते इतनी दूर से यहाँ ना आते तो मैं मेरा खिताब जवानों से है न्यू एथिज्म आई कब से आई नाइन एलेवन के बाद से आई नाइन एलेवन का एथिज्म से क्या ताल्लुक इस नए प्रोजेक्ट को लाने के लिए एथिज्म को लाने के लिए न्यू एथिज्म को लाने के लिए लोगों को बेदीन करने के लिए उन्हें अपने ट्विन टावर गिराने पड़े आप में से किसी को भी अभी गलत फहमी तो नहीं है ना कि तालिबान ने गिराया है, है किसी को गलत फहमी है तालिबान कोई मक्खी भी नहीं मार पाते अलकायदा ने उसके बाद कोई मक्खी भी नहीं मारी एक ही दफ़ा इतना बड़ा हमला करने वाले की ताकत ख़त्म होते होते भी मरा व हाथी भी सवा लाख का होता है ये ना अलकायदा थी ना तालिबान ये उनका अपना किया दरा था ये, ये मिसालें आप अपने अतराफ में देखें तो आपको ही मिल जाएंगी मिलती है नहीं मिलती ये? मिलते हैं इंसान आजकल बहुत समझदार ये सब क्यों किया गया यार दीनदार लोग आपके यहां भी निसाब चेंज हो रहा है निसाब की तब्दीली का आजकल थोड़ा सा शोर बैठ गया है लेकिन तब्दील हो रहा है वन करिकुलम आ रहा है सिर्फ सिर्फ आपके यहां तब्दील हो रहा है नहीं पूरी दुनिया में तब्दील हो रहा है यूरोप में भी तब्दील हो रहा है अमरीका में भी तब्दील हो रहा है कैनाडा में भी तब्दील हो रहा है तब्दील क्या तब्दीली आ रही है बेदीनी फैलाई जा रही है अखलाक कदरों को ख़त्म किया जा रहा है मेरे लिए सवाल था चलो हमारे बच्चों पे वो रहम नहीं करते अपने बच्चों पे क्यों रहम नहीं करते ये सवाल है या नहीं? नहीं उनके हाँ वेस्ट में अभी ये मुसीबत आ गई है कि वो बच्चे अब उनके बच्चे होते रहते ही नहीं होते ही नहीं है भाई वो कैसा बच्चा है जिसे बचपने में भी अगर डांट दिया जाए तो वो पुलिस को कॉल कर दे और बाप को जेल भिजवा दे माँ को अदालत में खड़ा कर दे कैसा बच्चा है और 18 साल के बाद तो पहचानता भी नहीं हमारे यहाँ के बहुत से जो मसाइल हैं हम जिसे मसाइल कहते हैं एयरपोर्ट पे आप आते हैं इस, इस्तेमाल करने वालों को बहुत रश होता है हमारे यहाँ एक मसला है कि इन्हें कैसे रोका जाए हॉस्पिटल्स में तो ईमारदारों का एक हजूम होता है वहाँ लिख लिख के लगाया जाता है हमारे यहाँ मसला है इसे कैसे वो किया जाए शादियों के लिए हमें बहुत बड़े बड़े हॉल चाहिए होते हैं और शादी हॉल आप देख रहे हैं कैसे कैसे बनते चले जा रहे हैं वेस्ट में ये मसला है ही नहीं वहाँ न एयरपोर्ट पे कोई किसी के इस्तेबाल के लिए आता है ना हॉस्पिटल में कोई किसी की तीमारदारी के लिए आता है न किसी की शादी में कोई शिरकत के लिए आता है मैं जहाँ रहता था वेस्ट में मेरे बिल्कुल सामने चर्च था वहाँ हर दूसरे दिन शादी होती थी एक दिन दस पंद्रह लोग आए थे बाकी दो तीन चार पाँच छः खत्म शादी में कुल छः लोग और आए दिन शादियाँ होती थी मसले ही उनका ख़त्म हो गया उन्हें ज्यादा दीन की जरूरत थी इसका एहसास भी है अभी चीन में तबलीग की इजाजत हो गई है हमारे साइड वाले चीन में नहीं है लेकिन जो मरकजी चीन है उसमें तबलीग की इजाजत है और मजलिस अभी इस मुहरम में वहां मजलिस बपा हो रही है और कहाँ हो रही है पाकिस्तान एम्बेसी में मजलिस हो रही है उन्हें भी पता चल गया जरूरत है हमें दीन की सब इंसानों को पता चल गया है ये जो हमने बहुत शौक़ से इंग्लिश मीडियम बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को भेजा था और उनके इंग्लिश बोलने पे हम बड़े खुश थे उनके अंग्रेज़ों की तरह चाल दाल हमें बड़ी पसंद आ रही थी अब क्योंकि एक आठ दस साल गुजर गए पंद्रह साल गुजर गए अब हमें समझ में आ गया है बहुत से लोगों को समझ में आ गया है कि इसका नतीजा क्या निकला है आया समझ में नहीं आया जी दीन इंतहाई अहम दीन फितरी, उसके बावजूद ये सारी ताकतें इस दीन को ख़त्म क्यों करना चाह रही हैं? सवाल है या नहीं है जी सवाल है जी? सिर्फ हमारे होता तो हम कहते ये हमें खराब करने के लिए अपने बच्चों का भी यही हाल है जी? अभी यूरोप अमेरिका के सब सिर्फ मुसलमानों का नहीं बाकी जो दीनदार या जो बेदार लोग हैं दीनदार भी नहीं कह उनको भी मसला हुआ है हुआ। कि ये बच्चों को क्या कर रहे हैं और कुछ चीज़ें आउट भी हुई हैं शायद आप लोग कहो मैं अभी इस मौजू को लंबा नहीं करना चाहता इसलिए मुकदमा है मैंने आगे निकलना है आज का इंसान कल के इंसान से गुजशत इंसान से आज का इंसान बहुत फ़र्क कर गया है तालीम बहुत ज़्यादा हो गई है शोर बहुत ज़्यादा आ गया है इन्फॉर्मेशन को अब बंद रखना मुमकिन नहीं है अब इन्फॉर्मेशन क्रॉस दी बॉर्डर, सब जगह सब जगह पहुंच रही है डायलॉग हो रहा है अब जबान आने ना आने का भी मसला साधा सब खत्म हो गया है वो ऑटो कैप्शन लगा हुआ है सारी जबानों में तर्जुमा हो रहा है आपके पास कहने को कोई चीज़ है अच्छी बात है आप करें वो तर्जुमा होकर सारे लोग देख लेंगे सारे लोग समझ लेंगे इंफॉर्मेशन को बंद रखना मुमकिन नहीं रहा हम जहाँ बैठे हैं इसके नीचे लाइब्रेरी है और अगर मुमकिन हुआ तो मैं दरख्वास्त करूँगा इस लाइब्रेरी को मजलिस के बाद खोल दिया करें कुछ अगर अहबाब देखना चाहें लाइब्रेरी को अलबत् किताब का देखना इबादत नहीं है लेकिन देखें ताकि कभी पढ़ लें तो शायद इबादत शुमार हो जाए दे? यहाँ हमारे अहले सुन्नत स्कॉलर भी आते हैं वो जब देखते हैं कि हमने अहले सुन्नत की किताबें बिल्कुल उसी तरह रखी हैं जिस तरह हमने अपनी किताबें रखी हैं तो वो हैरान होते हैं कहते हैं हमारे यहाँ भी आपकी किताबें हैं लेकिन हम उन्हें लॉक रखते हैं क्यों लॉक रखते हो इसलिए कि अगर हमारे बच्चे ये किताबें पढ़ेंगे तो ख़राब हो जाएंगे गुमराह हो जाएंगे हमारे बच्चों को आपको हमें कोई गुमराही का कोई डर नहीं सब चीज़ें हैं ये जो पहले कहा करते थे निकाह टूट जाएगा शियों की मस्जिदों में मत जाओ शियों के इमाम बारगाह में मत जाओ अब तो ये सोशल मीडिया के जरिए सब जगह पहुंच रही बातें अब तो निकाह नहीं टूटता है। कैसे अब आजकल का जवान ये बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है आजकल का जवान बेदार हो गया है आजकल का जवान तालीम याफ्ता हो गया है आजकल का जवान रोशन फिक्र हो गया है अब वो क्वेश्चन करता है हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते थे हमारी जनरेशन अपने बुजुर्गों से क्वेश्चन नहीं कर सकती थी बल्कि मैं मजाक भी करता हूँ मैं कहता हूँ हम बदनसीब जनरेशन हैं जिन्होंने अपने बुजुर्गों से भी डांट खाई है अपने बच्चों से भी डांट खाते हैं हमारे बच्चे ऐसे जरी हो गए अब हमें डांटते हैं हमें सिखाते हैं यूं करो यूं ना करो क्यों यूं बाबा यूं क्यों किया अब क्वेश्चन करेगा आपका बच्चा आप जितना मर्जी रोकना चाहें नहीं रुकता रीजनिंग करेगा सवाल उठाएगा तकुल करेगा तफक्कुर करेगा इसका नतीजा क्या है वो खुदा वो अधियान जो इन हिराफात पर खुराफात पर मुबतनी थे अब उनके फॉलोअर बाकी नहीं रहेंगे ये चंद दिनों की बात है अब उन खुराफी अधियन पे बाकी रहना मुमकिन नहीं है दीन फितरी है खुराफी दीन जब समझ में आ गया तो बच्चा उसमें बाकी नहीं रहेगा क्या नतीजा निकलेगा जी जी सारी दुनिया अली वाले हो जाएंगे ये मंजूर है हाँ दुनिया को ये मंजूर है सब अली वाले हो जाएं और सब अली वाले होंगे नहीं होंगे होंगे हमारा ईमान है हमारा यकीन है रसूल का वादा है खुदा का वादा है सब अली वाले होंगे सब अली वाले होंगे और यूसुफ जहरा को पुकारेंगे ये होगा ये होगा अब ये होता हुआ दुश्मन को भी नजर आ गया इलाज क्या है दीन ही खत्म कर दो कहानी ही खत्म सबको मोलहित कर दो अगर दीन रहेगा अगर खुदा रहेगा अगर अकल रहेगा तो फिर तो वो सही दीन की तरफ चले जाएंगे हल क्या हुआ हल यह है, दीन ही खत्म कर दो ये तमाम दीनदार हुकूमतें वो भी दीन खत्म करने पर आमादा हो गई अब पता नहीं मैं जो दीनदार कह रहा हूँ हमारे यहाँ दीनदार उसे कहते हैं जो दाढ़ी रखता हो और पर्दा करता हो उसे दीनदार कहते हैं मैं जो खुदा को मानता है अमल उसका जो मर्जी है उसकी बात नहीं कर रहा एक खुदा को मानता है एक कहता है खुदा नहीं है नहीं वो चाहते हैं सारी दुनिया कोई अखलाकियात बाकी न रहे अगर अखलाकियात बाकी रहे और मुजस्म अखलाक और उसके घराने को देखें और उसके गरवेदा ना हो मुमकिन नहीं कलामा लतना इमाम रजा का दावा है यह लोगों तक हमारे कलाम की खूबियां पहुंचाओ तो देखो खुद बखुद वो हमारी इतवा करेंगे अगर कियम अखलाकी बाकी रहे अगर एथिकल वैल्यूज बाकी रही तो फिर वो जो चोटी पर है जो इन नकल अला खुल आजीम है वो सबको नजर आ जाएगा अब छुपने से छुपाया नहीं जा सकता कितने थे दुनिया में सेवन परसेंट कितने दीनदार हैं नाइन्टी थ्री परसेंट तो सेवन परसेंट तो कुछ भी नहीं हुए इस सेवन परसेंट में से आधे चीन में हैं वो भी अभी कन्वर्ट हो रहे हैं वो भी रिलीजियस हो रहे हैं आधे चीन में तो बाकी निकालें तो थ्री परसेंट गई तो थ्री परसेंट से तो डरने की बात नहीं है कोई इतने कोई खौफ खूबसदा होने वाली बात नहीं है जैसे आपने बात शुरू की आप शायद मुझसे कहें जैसे आपने शुरू किया हमें तो लगा फिफ्टी परसेंट तो हो गए बाकी फिफ्टी परसेंट को बचाने की बात कर रहे हैं ये तो थ्री परसेंट हैं थ्री परसेंट लेकिन कम नहीं है हो सकता है थ्री परसेंट कम ना हो नहीं हो सकता यहूदी कितने हैं जीरो पॉइंट टू परसेंट कम है कम नहीं है इस्लामाबाद पिंडी की आबादी से उनकी आबादी कम है लेकिन पूरी दुनिया पे तसल्लुत उनका है टेक्नोलॉजी उनकी है इल्म उनका है मीडिया उनका है दौलत उनका है कारोबार उनका है इकतदार उनका है कम है लेकिन ताकत में है इसी तरह ये एथेस्ट भी हैं थ्री परसेंट लेकिन सोशल मीडिया इनका है मीडिया इनका है अखबार इनका है बोलने वाले इनके हैं बिकने वाले सारे कलम इनके हैंसले खतरनाक है अब इसका मुकाबला कौन करेगा कौन बचाएगा कौन सही खुदा पेश करेगा अगर सही खुदा को पेश करोगे सही तोहिद पेश करोगे तो लोग मुवाहिद रहेंगे वही वो लोग अभी यही आए थे वेटिकन से आए थे एक पोप वहां के उनसे मैंने कहा यार अब तो कुछ करना पड़ेगा अब वो जो खुदा जो तुम कहते थे कि वो तीन भी है और एक भी है ये आजकल का बच्चा एक एक होता है तीन तीन होते हैं तीन एक नहीं होते एक तीन नहीं होते ये तो दो दो चार की तरह है पहले लोगों ने मान लिया अब तो नहीं मानते खुदा बाप है बेटा है ये अब कोई लोग इनको नहीं मानेंगे तो हमें कोई फिक्र नहीं होती भाई साइंस में एक थ्यूरी आती है वो थ्योरी जब साबित होना शुरू हो जाता है कि ये बात सही नहीं है अभी बिग बैंग पे कितना आप शोर करते थे अभी जेम्स वेब ने कहना शुरू कर दिया है सवालत उठाने शुरू कर दें साइंसदान क्या करेंगे उसको तब्दील कर देंगे कहेंगे ये नई थ्योरी आ गई भी ये ले लो साइंस आगे चलती रहेगी मैंने कहा हम मजहबी लोगों को भी चाहिए ना कि पहले जो खुराफाती नजरियात थे तोहद के खुदा के अगर वो खुराफात हैं तो उसको छोड़ दो जो असल है उसके ऊपर आ जाओ पे एतराज ना होता हो उस पे हम जमा हो जाएं क्या हरज हर है सारे दीनदार जमा हो जाएं उस खुदा पे जिस खुदा पर एतराज नहीं आता अब मैं ये फिर डिटेल में नहीं जाता हूं बहस हो जाएगी उसको मेरे हिसाब से वो सारी चीजें मान गया कि जो हम मानते हैं सब खुराफा है और फिर मैंने नाम लिए बगैर इस्लाम का तशय्यो का अली का खुदा के बगैर मैंने कहा अगर ऐसा खुदा हो उसे सब मानेंगे नहीं माने कहा इस खुदा को तो सब मानेंगे आप सिर्फ और सिर्फ अली अली के जरिए खुदा तक पहुंच सकते जिस दिन आपने दर अली को छोड़ा जिस दिन मुसलमानों ने दर अहली को छोड़ा उसी दिन वो गुमराह हो गए हैं वो जो अकीद तोहिद है उस उसीद तो तोहिद का दिफा मुमकिन है अल्लाह अकबर अल्लाह बड़ा है अल्लाह अर्श पर बैठा हुआ है आसमान से ऐसे उतरता है जैसे मैं उतरता हूँ अगर वह आसमान पर है तो ज़मीन पर तो खुदा नहीं है ना ऐसे खुदा को मानोगे जो महदूद है जो किसी अर्श पर है अर्श जितना भी बड़ा क्यों ना बना लिया खुदा ने खुदा तो उससे बड़ा है फिर कैसे अर्श पर है क्या तो जी वो चारों तरफ से लटक ना हो सब्ला ऐसे खुदा माना जाएगा ये यह यहूद का खुदा जो याकूब के साथ कुश्ती करता है जीत नहीं सकता आखिर में सुबह के नज़दीक कोई फराड करके जीत जाता है इस खुदा को मानेंगे आज का जवान मानेगा नहीं मानेगा पहले लोगों ने माना है इसी पे तो चलता रहा है अब नहीं मानेंगे अब इस हमले का जवाब कौन देगा अब तोहिद को कौन बचाएगा यही फर्श आजा यही मेंबर है हुसैन यही नजुल आज भी तोहिद को पर आप आपकी जिम्मेदारी है आज मैदान कर बला के बहत्तर आप हैं आज आपके कंधों पर यह जिम्मेदारी है तोहिद को बचाना है और कोई नहीं बचा सकता मुमकिन ही नहीं अच्छा अगर आ, मुश्किल ना हुआ तो थोड़ा सा य, ये आभास मेंबर से होती नहीं है और इसमें फिर आ, हम इन कोशिश करेंगे आसान भी करें और आ, मैं बच्चों को कम देख रहा हूँ बच्चे ज़्यादा आएंगे तो मैं बच्चों के लिए भी कुछ हिस्सा पेश करूँगा और बच्चों को आगे भी भेज दिया करें कल से आज से बच्चे आगे बैठे हैं उनके मुताबिक गुफ्तगु होना ज़्यादा बेहतर वो बड़ों को भी ज़्यादा समझ में आती है अगर बच्चों को देख के मैं जैसे लोग मेरे सामने होंगे जैसे आपके चेहरे के तसरात होंगे उतना ही मैं साथ गुफ्तु को बुलंद करूँगा शलवाद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले पानी किसके अच्छा एक बात और मजे कहूँ आपसे मैंने कहा था ना थ्री परसेंट सेवन परसेंट हैं थ्री परसेंट हैं थ्री परसेंट भी नहीं है दुनिया में कोई एक बंदा भी मुलहित एथिस्ट नहीं है और जो एथिस्ट हैं और एथिस्ट के ये जो फोर हॉर्स मैन हैं जो नाइन इलेवन के बाद आए हैं और इन्होंने बड़ा चढ़ाई की है ये अगर इनको भी कहा जाए एथिस्ट ये कहेंगे नहीं हम पे इल्जाम लगा रहे हो हम एथिस्ट नहीं है अच्छा फिर क्या ये कहानी को नया ट्विस्ट आ गया ना एथिज्म है क्या एथिस्ट है क्या और उसके पास आपसे बहस करने के लिए कुछ भी नहीं है आप सिर्फ एक पंच से उसे नॉक आउट कर सकते हैं। बात आगे चलेगी ही नहीं कोई बहस ही नहीं है उसके पास कहने को जब कुछ है ही, नहीं, वो है ही नहीं जो है ही नहीं उससे क्या बहस जैसे हम, मैंने पहले कहा वो बड़ा खतरनाक है चारों तरफ से उसका हमला है सोशल मीडिया उसके पास है जबान उसके पास है हुनर उसके पास है ग्लैमर उसके पास है सब कुछ उसके पास है लेकिन वो है ही नहीं क्या मतलब वो है ही नहीं एथिस कहते किसे हैं एथिस उसे कहते हैं जो ये कहे कि मेरे पास दलील है कि खुदा नहीं है मेरे पास दलील है कि खुदा का होना महाल है हम मामूलन ये समझते हैं जो खुदा को ना माने वो एथिस्ट है अमलन है तो मुसलमानों में भी बहुत वो परसेंटेज निकालें तो पता नहीं कितने बन जाए खुदा को मानते हैं उसके बाद खुदा की कुछ भी नहीं मानते वो एक अलग मसला है हम अभी उनकी बात नहीं कर रहे हैं अकीदा है खुदा पे उसके बाद अमल में कमज़ोरी है खुदा उन्हें हिदायत दे खुदा मुझे भी हिदायत दे खुदा हम सबको ईमान दे खुदा हम सबको अमल सालेह की ताकत दे कोई शख्स जो ये दावा कर सके कि खुदा नहीं है खुदा का होना महाल है कोई एथिस नहीं है क्या मतलब कोई एक शख्स भी ऐसा दुनिया में नहीं आया तारीख बशर में नहीं आया जो इस दावा पे दलील देने की कोशिश करे बात मुंतकिल हो रही है थे? मैं थोड़ा सा रुक इसलिए रहा हूं कि बात आप तक पहुंच जाए कोई एक शख्स भी अगर आपको मिले अभी हम दस दिन यहां हैं आप ले कि फलां साहब है उसने ये कोशिश की है कोशिश हाँ सही गलत की बात नहीं कर रहा ये कोशिश भी किसी ने नहीं की है कि इस बात को साबित करे कि खुदा का होना इस दुनिया में इस कायनात में महाल है वो जो हर जगह है जिसका जहूर हर चीज से ज्यादा है जिसके बारे में इमाम हुसैन फरमाते हैं किसी और के पास इस लाइट में इस सूरज में ऐसा जहूर है ऐसा नूर है जो तुझ में नहीं है कि कोई और मुझे तुझ तक पहुंचाए उस खुदा का कौन इनकार कर सकता है उस खुदा के इनकार का कौन दलील ला सकता है फिर ये, क्या है? ये क्या है कोई भी अगर आपने डिबेट करनी हो सबसे पहले तो ये सुन लें कि एथिस्ट बनने के लिए अक्ल की खुदकुशी ज़रूरी है कोई अक्ल को रहने दे और एथिस्ट हो जाए महाल है पहले अक्ल को ख़त्म करना पड़ेगा उसको फायर करना पड़ेगा खुदकुशी करो अक्ल ख़त्म कर दो अक्ल नाम की कोई चीज़ ना रहे आप क्या हो जाएंगे मुलहिद हो सकते हैं आप देहरी हो सकते हैं अक्ल के होते हुए आप देहरी नहीं हो सकते इसलिए हमारी हदीस की किताबों में पहला बाब बाब अकल है हमें अमा ने सबसे पहले अकल की तरफ दावत दी है हम हमले अरबा में से एक दलील को अकल मानते हैं इसका मतलब क्या है अभी हम बयान करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करने हैं ये कुछ चीज़ें जो वाज नहीं बयान की जाती हैं उसे हम खोल के सामने रखेंगे आसान कर देंगे आपके लिए इंशाल्लाह उसकी जब बारी आएगी वहां करेंगे कोई भी मुबासा हो उस मुबासे में एक मकाम सबूत होता है एक मकाम इस्बात होता एक मकाम लवाजिम होता है डरिए नहीं अभी बहुत आसान हो जाएगी मकाम सबूत का क्या मतलब है ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद सबसे पहले बहस होगी कि जो हम बहस कर रहे हैं वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता हो सकता है माहौल हो 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 सकता है हो। पहले इसकी बारी आएगी अभी बहुत से कैसे चल रहे हैं ना पहले पहले कोर्ट क्या करती है ये काबिल समात है या नहीं है पहले ये देखती है इसे देखे बगैर दलील देना शुरू करते हैं लॉयर्स नहीं वो है, पहले हम देखेंगे काबिल समात है या नहीं है देख? Osionfish. हर केस को सबसे पहले देखना होता है मकाम सबूत होता है मकाम सबूत हल होने के बाद मकाम में इस्बात आता है मिसाल से शरी के बारी समझते हैं अल्लाह का शरीक अल्लाह का शरीक है या नहीं है हम कोई दलाइल दे के बहस करते हैं नहीं हम पहले मकाम सबूत में ख़त्म कर देते हैं हम कहते हैं शरीके बाली महाल है हो सकता ही नहीं है हम आपको यह साबित कर देंगे कि अल्लाह का शरीक नहीं हो सकता जब यह साबित होगी आगे बहस चलेगी है यानी कि दलाइल देने की जरूरत पेश आएगी नहीं ये केस काबिल समात नहीं है सियासी वजूहत हो जाए तो फिर काबिल समात है लेकिन पहले तो हम देखेंगे ना मकाम सबूत को देखेंगे एक उसके बाद मकाम इस बात आएगा आप पता नहीं अक्सर आप में से कुछ जवानों को शायद हुआ हो वास्ता पड़ा हो देहरियों से कुछ को शायद आइंदा पड़े मैं आपको वैक्सीन कर रहा हूं आपको यह वायरस नहीं लगेगा इतना सिंपल है वो आपसे कहता है कि आप क्योंकि खुदा को मानते हो इसलिए आप दलील दो कि खुदा है भाई मैं दलील दू कि खुदा है यह मकाम है इस बात है इससे पहले एक मकाम है कि खुदा हो सकता है या नहीं हो सकता तुम कहते हो कि नहीं हो सकता तुम साबित करो कि खुदा नहीं हो सकता तुम दलील दो बात पहुंच रही है इंशाल्लाह जी ये दलील देहरी को देनी है एथिस को देनी है उसे ये दलील देनी है कि खुदा नहीं हो सकता अगर तुमने साबित कर दिया तो बात ही ख़त्म हो गई हम नहीं मानेंगे खुदा को जो खुदा हो सकता ही नहीं है उसे कौन मानेगा उसके होने पे हम क्यों दलील दें हम क्यों कहें बुरहान है नज़म है हमारे पास हमारे पास फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट है फलान है बाकी सब है हम कुछ भी नहीं कहेंगे भाई हम मान जाएंगे आप साबित तो करो कभी भी कोई भी देहरी है यहाँ नहीं आएगा वो किस पे आता है वो ना मकाम सबूत पे आता है ना मकाम इसबात पे आता है वो लवाजिम पे आता है लवाजिम का क्या मतलब यानी अगर आप दीनदार हैं तो उसका लाजिमा ये है अगर ए चल रहा है उसका लाजमा क्या है कि ये मकान ठंडा हो जाएगा वो आपको क्या कहता है ये मुसलमान इतने ख़राब क्यों हैं ये दुनिया में तूफ़ान क्यों है जलजिला क्यों हैं है? इतने लोग मरते क्यों हैं इतने दहशतगर्द क्यों हैं ये फ़लान मौलवी ने फलान जगह ये क्यों कर दिया ये इस कस्म की बातें कर एक आया था मेरे पास भी मेरे तारीख़ में एक ही एथिस्ट आया है अगर कोई हों आए उनको मसला यही है वो ये समझते हैं कि मौलवी डांटेंगे और उसको बहुत ताजुब हुआ कि यार तू तो मुझसे भी बड़ा एथिस्ट है मैं तेरे पास आया हूँ तू ना फ़खर नाराज़ नहीं हो रहा वो कह रहा था इस मौलवी ने वो कर दिया इसने कहा मैं कहा छोड़ो यार मौलवी तू खुदा को नहीं मानता मौलवी पे किधर आ गया मोली जो मर्जी करे अभी तो हम बहस करते हैं ना खुदा है या नहीं न, वो फिर मौलवी पे आ जाता था फिर इस्लाम पे आ जाता फिर मुसलमानों छोड़ो यार ना इस्लाम है ना मुसलमान है ना कुरान है ना रसूल है तुम्हारी बात तो खुदा पे हम खुदा पे बात करते हैं ना कि खुदा है या नहीं है तुम साबित कर दो ना कि खुदा नहीं हम सब कुछ मान जाएंगे नीचे का आने की जरूरत ही कोई नहीं इनमें उलझने की जरूरत ही नहीं है आपने अगर अभी देखे मैंने थोड़े बहुत इसलिए देखे कि आप लोग क्या देखते हैं ये बहुत से लोग जो जवाब दे रहे होते हैं वो इस में फंस जाते हैं यहीं खेल जो जहाँ वो उलझाते हैं वहीं उलझते हैं यहाँ उलझना ही नहीं है भाई मान लो सब कुछ मान लो अगर खुदा ऐसा है और ये सारे अशरार भी हैं इतने मासूम बच्चे मर गए इतने कत्ल हो गए फलान हो गए ये आदिल खुदा नहीं है चलो जी आदिल नहीं है है या नहीं है पहले ये तो कहो होगा तो आदिल होगा या गैर आदिल होगा ना भाई सबसे पहले तो खुदा का ना होना साबित करो ना तुम ये जो सारी बातें कर रहे हो ये होने के बाद की बातें हैं या तो मान लो है फिर हम नीचे बात करते हैं आपको कोई भी एथिस नहीं मिलेगा किसी एथिस को आप इस इस पॉइंट पर अगर पकड़े तो वो कहां स्लिप करके आ जाएगा कि मैं एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक ला अदरी अरबी वाले कहते हैं ला अदरी उर्दू में मुझे नहीं ला अदरी मुझे नहीं पता उर्दू वाले क्या कहते हैं जे? वो कहते हैं क्योंकि वो इस जगह से फरार करता है इसीलिए मैंने कहा आपको एथिस नहीं मिलेगा वैसी दावा करने वाले मिलेंगे बैठ के बात करें तो वो फौरन फरार करके यहां आ जाते हैं मैं एग्नोस्टिक हूं मैं तो एथिस नहीं हूं रिचर्ड डॉकिंस ने भी एक मोबाइल से में कहा है, मैं तो एथिस नहीं हूं मैं तो एग्नोस्टिक हूं उससे बड़ा तो कोई नहीं है एथिस आजकल एग्नोस्टिक क्या होता है एग्नोस्टिक ये कहता है कि मुझे पता नहीं है कि खुदा है या नहीं मैं शक में हूं ये अब वो जो जहाँ हमने उसको फंसाया था कि भाई तुम साबित करो कि खुदा का होना महाल है कैसे साबित करेगा ये बेचारा इंसान ये खुदा नजर नहीं आता इसलिए नहीं ये तो पुरानी बात हो गई ना आजकल तो ये बात नहीं चलती आजकल ये बात चल सकती है कि खुदा क्योंकि नजर नहीं आता इसलिए नहीं है आजकल तो बच्चे बच्चे को पता है कि इस दुनिया में तो नजर ही कुछ नहीं आता इस दुनिया में क्या नजर आता है आपको आपको कुछ नजर नहीं आता इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज डार्क एनर्जी डार्क मैटर सबसे ज्यादा डार्क मैटर है दुनिया में नजर आता है नजर नहीं आता भाई जो डार्क मैटर नजर ही नहीं आता तो उसको क्यों मानते हो चलो आपके यार स्पेस में ना लेके जाओ दुनिया में रहो इसमें यहां भी आपको जो असल चीज है वो तो नजर आती ही नहीं है आजकल सबसे ज्यादा किसका इलेक्ट्रॉनिक्स का चल रहा है ना इलेक्ट्रॉन नजर आया आज तक किसी को इलेक्ट्रॉन नजर आ सकता ही नहीं फिर नजर क्या आता है भाई जिसने इस दुनिया को थामे रखा हुआ है जिसकी ग्रे, ग्रेविटी ने इस पूरी कायनात को थाम के रखा हुआ है वो भी नजर नहीं आता और जिसने इस दुनिया में हलचल मचाई हुई है वो इलेक्ट्रॉन भी नजर नहीं आता है तो मैं इसमें तफसील में नहीं जाऊंगा ये आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो साबित हो जाएगा ये इशारे काफी हैं इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि आज तक किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा ही नहीं है माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता फिर उसके होने का कैसे पता चलता है उसके आसार से पता चलता है, है? इतना छोटा सब पार्टिकल है कि वो खुद नजर नहीं आ सकता माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आ सकता फिर उसके होने का कैसे पता चलता है उसके आसार से पता चलता है इलेक्ट्रॉन के आसार से तुम इलेक्ट्रॉन के होने पर यकीन रखते हो अल्लाह के आसार तुझे नजर नहीं आते तो ये बातें बिल्कुल अकल खत्म अकल हो और इंसान खुदा परस ना हो मुमकिन नहीं है इतना मशरा है ये एथिज्म ये दीन से भागने वाले लोग वहां से भाग के आ जाते हैं किस पर कि मैं एग्नोस्टिक हूं एग्नोस्टिक हूं कब तक आप कह सकते हैं मैं एग्नोस्टिक हूं एग्नोस्टिक क्या है शक है मुझे पता नहीं है शक मरज है हालत है मरज में इंसान बाकी नहीं रह सकता मैं हमेशा मरीज हूं भाई मुझे पता नहीं है पता नहीं है उसके कुछ अरसे बाद साल बाद दो साल बाद चार साल बाद दस साल बाद तुम्हें पता चल जाएगा या इधर आ जाओगे मुवाहिद हो जाओगे या उधर जाओगे और एथिस्ट हो जाओगे मैं हमेशा एग्नास्टिक हूँ ये कोई बात है, है? तुम फलॉसफर भी हो तुम स्कॉलर भी हो तुम साइंटिस्ट भी हो और एग्नास्टिक भी हो मजाक है ये मुझे कुछ पता ही नहीं है बोलते क्यों हो तुझे मुंह खोलने की इजाजत किसने दी है तुझे कलम उठाने की इजाजत किसने दी है तुझे बच्चों को गुमराह करने की किसने इजाजत दी है मैं एक नास्तिक का हूं तीसरी किस्म भी है की। ये कौन है अरबी वाले से रुबोबी कहते हैं जब यहां से भी स्लिप कर जाएं, तो कहते हैं हम रुबोबी हैं रुबोबी क्या मतलब है? कहते हैं खुदा तो है ये तो नहीं हो सकता कि खुदा ना हो इसके लिए तो हमने कहा बिल्कुल इंसान को खुदकुशी करनी पड़ेगी अकल वकल नाम की कोई चीज ना हो कि खुदा तो है लेकिन खुदा ने ये कायनात बनाने के बाद वो रिटायर हो गया बैठ गया आराम से उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है ये उससे भी ज्यादा मशहूरा है ये उससे भी बड़ी जोक है ठीक इसमें हम अभी नहीं आते आप लोगों के लिए आप वैक्सीन हो गए जो भी आए क्या पहले आ जाओ भाई मर भले सबूत में आ जाओ लवाज़िम हम सारे मान गए हम सब बुरे हैं हमने मान लिया फिर आप कभी कभार ये धोखा कहा जाते हैं मैं एक जगह बैठ के एक प्रोग्राम चल रहा था हम जिस ज़माने में हादी टीवी में ज़्यादा फाल थे वो कर रहे थे एक नया डॉक्टर आज के लिए हैं डॉक्टर भी हैं वो प्रोड्यूसर था तो हम मुख्तफ टी वी चैनल्स तो और मखसूस रिलीजियस देखते थे एक टी वी देख के कहता है यार ये स्पीकर गलत बात नहीं कर सकता क्यों क्या हुआ क्या इसके सामने ऑडियंस देखो ना इतने गोरे बैठे हुए हैं इतने घोरों के सामने कोई गलत बात कैसे कर सकता है ओलाम से हैं। ए, और अभी आपसे ये कहते ना वो फलान नोबल प्राइज उसने जीता हुआ है और फलान जो है वो क्या हो गया एथिस्ट हो गया वो गलत तो नहीं कह सकता इसी तरह की बातें वो बड़ा आदमी भाई कुछ लोग बड़े होते हैं कुछ लोगों को बड़ा किया जाता है आजकल के हालात अगर आपके पैसे नजर हों तो आपको पता चल जाएगा कुछ को बड़ा किया जाता है ताकि उनसे कोई काम लिया जाए और कुछ लोग बड़े होते हैं अगर आप चले कहें बड़े भी हैं उनसे बड़े अगर मैं मुवाहिद दिखा दूँ जितने नोबल प्राइज़ इनाम याफ़्ता हैं एवॉर्ड लिए हुए लोग हैं उनकीिब अक्सरियत नाइन्टी नाइन परसेंट माहिदे हैं वन परसेंट सिर्फ़ एथिस्ट हैं फिर इंसानों में अरस्तु से बड़ा कोई है गैर मासूम औरतु बहुत बड़ा दिमाग है और उस दौर में इतना बड़ा दिमाग इंसान ताजुब करता है हो वो मुहिद न्यूटन वाहिद बहुत मिसालें बहुत ज़्यादा हैं अगर हुआ मैं शायद एक मजलिस से पढ़ दूँ और आपको बता दूँ कि कितने बड़े बड़े लोग थे छोड़ कर मोमिन हो गए माहिद हो गए खुदा पे ईमान ले आए लेकिन ये मीडिया पर नहीं आती मीडिया पर बिरयानी जो है धमाके से तैयार नहीं हो सकती नहीं। अच्छा यार मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हुए थे वो धमाका हुआ कल सैलाब आया उन्होंने सबको मिला दिया और एक बहुत अच्छा सा कंप्यूटर बन गया मैंने कुछ स्याही ख़रीदी थी मैं किताब प्रिंट कराना था वो कोई जानवर आया उसने गिराया और वो स्याही ऐसे हो गई कि वो शेक्सपियर का नावल बन गया भाई नहीं हो सकता ये ये चीज़ें कोई चीज़ें कंप्यूटर कोई चीज़ है इस दुनिया के मुकाबले इस कायनात के मुकाबले में कायनात में अगर मुझे मौका मिला मैं दिखाऊंगा आपको और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं मैं क्या दिखाऊंगा आप और देखें खुदा की कुदरत को देखें आफाक और अनफुस में खुदा की कुदरत को खुदा की आयात को देखें आज जो आप आयात इलाही को देख सकते कोई नहीं देख सकता इसलिए तो ये परेशान है कि ये इन आयात को देख के सब मुहिद हो जाएंगे हम क्या करेंगे इसब इस अल्लाह वाले हो जाएंगे सब अली वाले हो जाएंगे एक तजर्बा भी हुआ है कि आप बिल्ली को टाइपराइटर के सामने ये तजुर्बा टाइपराइटर के दौर में हुआ है आजकल तो कंप्यूटर कीबोर्ड के साथ आप ये तजुर्बा अपने घर में भी कर सकते हैं किसी बिल्ली को किसी टाइपराइटर के सामने क़ैद कर दें और उसके सामने शेक्सपियर का नावल रखें और कहें ये इसको जो छेड़ेगी जब उस कमरे में रहेगी तो उसको जो टाइप करेगी तो उससे शेक्सपियर का नावल बन जाएगा कितने फीसद चांस है जी बिलियों को एक महीने तक ये एक्सपेरिमेंट हुआ है छह बिलियों को मुख्तलिफ जगह पे बंद किया कीबोर्ड वहाँ रखा और वो आते जाते कीबोर्ड से बिल्लियां खेलती भी हैं उन्होंने छ महीने में पचास सफहत जो लिखे उनमें से एक कलीमा भी काबिल फाहम नहीं था कोई एक कलीमा भी वो नहीं लिख सके शेक्सपियर का नावल लिखना तो दूर की बात यानी इन बिलियों को सारी दुनिया की सारी बिलियों को अगर आप कहीं जमा करके रख, अलग अलग कंप्यूटर दे के रख दें और वो सुबह अजल से शाम में अब तक भी बैठ के टाइप करते रहें एक सफा सही नहीं लिख सकते इतफाका एक सफ़ा नहीं बन सकता और सफे कायनात को किसने किया है आप जानते हैं मैं लेकिन मैं भी आपको खोल खोल के कुछ सफा दिखाऊंगा जलकियाँ दिखाऊंगा सिर्फ मेरा वैसी शोभा भी नहीं है साइंस मेरा शोभा नहीं है आप लोगों का जिनका शोभा है वो पढ़ें ये बड़ी इबादत है तकरब तकर्रबल्ला साइंस के जरिए अभी जो जेम्स वेब ने जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है सेल के अंदर की जो चीज़ें हैं आपको जो क्वांटम फिज़िक्स में इन्फॉर्मेशन दे रहा है तोहहीद दे रहा है आपको स्ट्रिंग थ्योरी जो तोहीद दे रही है सब तो दे रहे हैं परेशान तो होना है उन्हें कमाल क्या किया उन्होंने ये न्यू एथिज्म क्या है ये न्यू एथिज्म साइंस के जरिए साइंस का अकीदे से कोई रब नहीं है पहले जो एथिज्म था वो फिलोसफिकल एथिज्म था साइंटिफिक नहीं था साइंटिफिक से मुराद ये प्रैक्टिकल साइंस की बात कर रहे फिलोसफर्स एथिज्म को फैलाया करते थे फील ही उनका है खुदा है या नहीं ये फलसफे का मौजूद है वजूद है या नहीं ये फलसफे का मौजूद साइंस का मौजू ही नहीं है अभी क्या कर दिया साइंस की तरक्की को ला के कहते हैं कि ये देखें जी अब खुदा नहीं है अब खुदा की जरूरत ही नहीं है खुदा गैप्स का खुदा था जब आपको मालूम नहीं था कि बारिश कैसे आती है तो आप कहते थे खुदा बारिश बरसाता है अब तो पता चल गया ना बारिश कैसे होती है पता नहीं था कैसे आता आप कहते थे खुदा अब तो ज़रूरत नहीं है आज के जवान और मखसूस मकतब अली को मानने वाला अली के चाहने वाले जवान पर वाजिब है कि वो दिफा तोहिद के लिए खड़ा हो सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता बाकी आपसे गीला करेंगे वो अल्लाह गिला करेंगे तुम्हें पता था या तुम पता कर सकते थे हमें हमने तो कभी सुना भी नहीं था कि तोहेद सिर्फ दर अली से मिलती है हमने नहीं सुना था हम तो यही समझे थे इधर से मिलेगी उस बड़े से मिलेगी इस पीर से मिलेगी उस बाबे से मिलेगी अल्लाह आपको पता है और आप पता कर सकते हैं नजुल का पहला ख़ुतबा मैंने रमज़ान में कुछ यहाँ पेश किया अभी कुछ मैं हैदरी चौक पर पे पे पेश करूँगा यहाँ पेश नहीं करूँगा उसका अगला हिस्सा जब हमारे एक साइंटिस्ट ने किसी अंग्रेज साइंटिस्ट को दिया और वो खुद पाकिस्तान आए वापस गए तो उसने कहा कि ये अली कौन है ये इस कायनात को खल होते हुए देख रहा था इसने रिपोर्ट किया है कि ये कायनात कैसे बनी है आपको समझ में नहीं आया ना कुछ बहुत नजुलवा का पढ़ने की जरूरत नहीं है पहला खुतबा और नहजुलबलाखा का तर्जुमा जो मुफ्ती जाफर हुसैन आल्ला मकामों ने किया है उस जैसा तर्जुमा किसी और जबान में नहीं हुआ है फारसी में भी नहीं हुआ किसी और जबान में भी इतना अच्छा तर्जुमा नहीं हुआ लेकिन पहले खुतबे में बहुत सी बातें हैं जो मुफ्ती साहब के दौर में उस तरह वाज नहीं थी जो अभी वाजे हुई है अभी इस तर्जुमे को अपडेट होना चाहिए उस वक्त नहीं समझ सकते ना मुफ्ती साहब समझ सकते थे ना उस दौर का बाकी इंसान समझ सकता था जो आज चीज़ें वाजे हुई हैं उसके नतीजे में जब आप जब नैजुर्बलागा पढ़ते हैं अकल हैरान रह जाती है। अली देख रहा था अली की आंखों के सामने एक कायनत बनी ये हमारा ईमान भी है और आपका ईमान अलग है हमारा ईमान जिन अहादीस पर मुबतनी है ये जो बाकी लोग हैं जो इल्म जानते हैं साइंस जानते हैं अगर आप साइंस का, आपको सही इल्म हो और आप फिर बलागा पढ़ें आपका ईमान फर्क कर जाएगा यकीनन आप अलग नेक्स्ट लेवल के मुवाहिद हो जाएंगे आपकी अली से मोहब्बत भी बहुत बढ़ जाएगी ये मोहब्बत और है वो मोहब्बत और है खुदारा साइंस पढ़े इल्म हासिल करें इल्म हासिल करें इल्म हासिल करें और कोई इल्म दुनियावी इल्म और दीनी इल्म अलग अलग नहीं है ये सब जमाल ख़ुदा का मताल है क़रआन हो भी तो जमाल आया थे इलाही का मताला है आफाक में चले जाएँ वो भी आया थे इलाही का मताल है और अगर अनफुस में जाएँ तो वो भी आया थे इलाही का मताल है इन शौज़ को जो आगे आठ रातें रह गई हमारे पास उसमें हम लेके चलेंगे इनशा और हमें उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे सलवा पड़ जाए मोहम्मद वाले मोहम्मद रोने के अयाम हैं और रोना गिरिया दिल का टूटना हम खुदा तक पहुंचने के लिए हमारी जो सारी कोशिश थी मेरे नाकिस अल्फाज में अगर वो कोशिश कामयाब न हो तो हुसैन का ज़िक्र सुन कर जब दिल टूटेगा तो वो खुदा जो न आसमान में समा सकता है न जमीन में समा सकता है वो आपके दिल में समा जाएगा आप रमज़ान में खुदा के मेहमान होते हैं आप हज पे कुछ हाजी हजरात आज बैठे हुए भी खुदा के मेहमान थे लेकिन खुदा आपका मेहमान तब बनता है जब आपका दिल टूट जाए जब आपका दिल नरम हो जाए और उसके लिए फ़र्श आजाद से बेहतर कोई जगह नहीं है इमाम जाफ़र सदक आलत वसलाम इर्शाद फरमाते मन बका व अब का आशारा फलू वलहुम अलजन्ना जो खुद रोए और दस लोगों को रोलाए उसके लिए और उन दस लोगों पर जन्नत वाजिब है रावी ने ताजब किया बोला ये कैसे हो सकता है फरमाया मन बका व अब का तेस का व जब लहू व अल जन्ना तुम दस में करते हो जो नौ को रुलाए फिर फरमाया जो आठ को जो सात को जो तीन को जो दो जो दो को फिर फरमाया जो एक को रुलाए ख़ुद गिरिया करें और एक को रुलाए आप जब गिरिया करते हैं और बुलंद आवाज़ में गिरिया करते हैं तो अपने साथ वाले को भी रुलाते हैं यह हदीस आपके लिए भी रावी का ताजुब बढ़ा तो फरमाया मन बका व अब का औ तबा का व जब लहू व लहूम जन्ना जो रोए रुलाए दूसरा मसाइब सुन के उसे रोना नहीं आ रहा रोने की शक्ल बना ले उस पर भी जन्नत वाजिब है कितने करीम है ये नहीं कहते कि तुम रो रहे हो सही नहीं रो रहे कह रहे नहीं तुम रोने की शक्ल तो बनाओ किस पे रोना है उस हुसैन पे रोना है जिस पे मलाइका ने गिरिया किया है जिस पे रसूल ने गिरिया किया है आज आप शहादत के बाद गिरिया कर रहे हैं रसूल ने शहादत से पहले गिरिया किया है जब हुसैन मुतवल हुए फातिमा हुसैन को लेकर कर बारगा में हाजिल होती है रसूल हुसैन को अपने आगोश में लेते हैं सर सीने हुसैन पर रख के जार ज़ार गिरिया करना शुरू कर देते हैं बाबा मेरे बच्चे में कोई नक्श है आप मेरे बच्चे को देख के क्यों गिरिया कर रहे हैं फरमाया बेटी मैं इसलिए घिरिया कर रहा हूं कि ये हुसैन दश्त कर वो बला में बे यार हो मदद कर अल्लाह अकबर फातमा मुस्तरब हुई कहा बाबा जब ये हादसा होगा तो आप होंगे मेरे हुसैन पे रोने के लिए फरमाया बेटी मैं ना होंगे कहा बाबा अली मुर्तजा होंगे कहा अली भी नहीं होंगे तड़प के पूछा बाबा मैं होंगी एक दुखियारी मां अपने मजलूम बेटे पर गिरिया करे कहा फातिमा आप भी नहीं होंगी तड़प कर पूछा बाबा फिर मेरे बेटे पर कौन रोएगा अरे रसूल खुदा ने आपकी तरफ इशारा किया एक कौम आएगी ए जिसके बेटे हुसैन पर रोएंगे ए जिसके जवान अली अकबर पर रोएंगे ए जिसके बच्चे अली असगर पर रोएंगे अजरुको अल्लाह रोने के आइया आ गए हैं मोहर्रम आ गया है मुहर्रम आते ही आप तो गिरिया शुरू कर देते हैं लेकिन बन मोहल्ले ये बनी हाशिम में आंसुओं से गिरिया नहीं होता और वक्त का इमाम अम्मा अम्मा सर से उतार देता है बाल परेशान कर देता है और इर्शाद फरमाता है मेरे शियो अगर तुम आंसू बहाते हो मैं तुम्हारे आंसू की जगह खून बहाता हूँ आज आज खुदा आपको सलामत रखे खुदा रोने वालों को सलामत रखे मैं कौन होता हूँ रोने वालों को दुआ देने वाला जमाने का इमाम फरमाता है सलाम्ल्लाबाक हुसैन पर रोने वालों तुम पर खुदा का सलाम हजरुको अल्लाह, हुसैन ने मदीने से निकलने का इरादा किया कब्र रसूल पर आए खब्र रसूल से विदा किया, कियाब्र रसूल से बुलंद हुए रावी कहता है जब रसूल की कब्र की तरफ जा रहे थे तो उस शान से जा रहे थे जिस तरह इमाम की चाल होती है लेकिन वहाँ से जब माँ की कब्र की तरफ चले तो एक बच्चे की तरह माँ की खबर पर लपके। मजलूमा माँ को सलाम दिया मजलूमा माँ को शहीदा माँ को बताया आपका बेटा अब मदीना नहीं रह सकता अब इस खबर को छोड़ कर जा रहा हूँ जिस खबर का निशान मेरे अलावा किसी को पता नहीं अजरुको अल्लाह एक दफा कब्र में हरकत आई माँ तड़प गई माँ ने कहा होगा बेटा चलो करवाला चलते हैं मैं भी साथ चलूंगी जब तू घोड़े से गिरेगा मैं अपने हाथ बढ़ा दूंगी जब गर्दन पर कौन खंजर चलेगा हजरको मल्ला लोगों ने हुसैन को रोकने की कोशिश की उम सलमा भी आए कहा बेटा करबला ना जाओ इराक़ की जानब सफ़र मत करो फरमाया मुझे हुक्म है मैं सफ़र पर जा रहा हूँ अम्मा ये तुरबत रख लीजिए इस खाक के शफा को रख लीजिए उस खाक के साथ रखी है जो रसूल खुदा ने दी थी जब ये खाक खून में तब्दील हो जाए तो समझ लेना आपका हुसैन मारा गया आ, कितनी बड़ी आज़ूम है एक माँ के लिए हर रोज दुआ करती है दुआ के बाद खाके के को देखती है सजने में गिरती है खुदा मेरे हुसैन की हिफाजत पर मां एक दिन जब आराम किया खाब में रसूल खुदा को देखा बाल परेशान है महासिन गुबारा लूद अर्ज किया रसूल खुदा कभी आपको इसे आदमे नहीं देखा फरमाया उम सलमा करबला से आ रहा हूँ, मेरा हुसैन, करबला में आज रुको माल

खुदा हमारी इस कलील इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा तमाम आज़ादारों की हिफाजत फरमा तमाम मरीज़ों को शफाय आजिल इनायत फरमा खुदाया जो लोग इस फरश अजा पर तशरीफ़ लाते हैं और इस मजलिस के लिए ताउन फरमाते हैं उनकी तोफ़ीक़ा खैर में इजाफ़ा फरमा बिलखस अ हादसा सैद मोहमन बह उन्होंने अपने वालदे की मखफ़रत के लिए ताउन फरमाए ख़ुदा उनकी तोफ़ीक़ात खैर में इजाफा फरमा तमाम मरहूमिन की मकफ़रत फरमा बिलखस हमारे अजीज़ मरहूम मकफफूर शहीद सज्जात सफ़ीर सज्जात के दर्जात को बुलंद फरमा तमाम हाज़रीन के मरहूमिन की, की मगफ़रत फरमा हमें दुनिया में ज़्यारत इमाम हुसैन आखरत में शफात इमाम हुसैन से बहरमंद फरमा जहर एमाम ज़बान में ताजील फरमा रहमत क़ैरहरहम